आज YouTube पर मानो एडिटिंग की तो रेस लगी हुई है। लोग इतनी अच्छी अच्छी शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस को एडिट कर रहे हैं कि पूछो ही मत। उन सभी एडिटिंग टेक्निक्स में एक चीज कॉमन देखी जाती है, दैट इज सबटाइटल या कह लो कैप्शन, वो भी ट्रांजिशंस के साथ। और इसीलिए आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी लॉन्ग से भी लॉन्ग वीडियोस में एक मिनट के अंदर अंदर कैप्शन ऐड कर सकते हो। लेकिन कुछ बातें पहले ही क्लियर कर दूं कि एक तो ये जो कैप्शन का तरीका है ये आप सिर्फ प्रीमियर प्रो पर कर पाओगे और साथ में आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी। तो आगे बताता हूं कि आपको कैसे करना है और कौन सा वो टूल है। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी स्क्रीन पर आना है और यहाँ देख रहे हो मैंने प्रीमियर प्रो ओपन किया हुआ है और साथ में मेरे टाइमलाइन में कुछ फाइल्स ऐड हैं जिसमें कि मुझे कैप्शंस ऐड करने हैं। और ये रहा वो टूल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नाम है इसका ऑटोकट। सी कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पीसी में भी ऑटोकट डाउनलोड नहीं है तो आप लोग सिंपल गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो ऑटोकट और वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास में क्रिएटिव क्लाउड की मेंबरशिप है तो आप लोग सबसे पहले तो अपना क्रिएटिव क्लाउड ओपन करो एंड यहाँ से स्टॉक्स एंड मार्केट प्लेस में फिर प्लगइन्स में आप सर्च करोगे ऑटोकट तो यहाँ आपको ये टूल मिल जाएगा। आप सिंपल से यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। खैर मेरा तो पहले से डाउनलोड है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑटो कैप्शन का, तो इस पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपनी सभी फाइल्स को सिलेक्ट करना है। ओके, तो देख रहे हो आप यहाँ पर कि किस तरह से ये आपको एक तरह का प्रीव्यू दे रहा है कि ऐसे ऐसे आपके कैप्शन आएंगे, जैसे जैसे आप वर्ड्स बोलोगे उन्हें हाईलाइट किया जाएगा ग्रीन कलर से एंड बाकी सब वर्ड्स आपके व्हाइट नजर आएंगे। तो अगर आपको इन सेटिंग्स को चेंज करना है, लेट्स से कोई और फॉन्ट आपको पसंद है तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको वो सभी फॉन्ट्स मिल जाएंगे जो आपके पीसी में ऐड है और अगर कोई थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा फॉन्ट चाहते हो तो वो डाउनलोड कर लेना, वो भी यहाँ शो हो जाएगा। फिर है आपसे फॉन्ट साइज पूछा गया है, अगर आप इसे इंक्रीज करोगे तो देखो प्रीव्यू में भी फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है। कलर, आप किस कलर के फॉन्ट चाहते हो, लेट्स से अभी यहाँ पर व्हाइट है आपको कोई और कलर चाहिए तो रेड या ग्रीन जो भी चूज करोगे उस कलर के फॉन्ट्स आएंगे। फिर आता है आपका एनिमेशन वाला पार्ट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो हाईलाइट विद ऑडियो, तो जो ये बार बार हाईलाइट हो रहा है ना ग्रीन कलर से, आप चाहो तो ग्रीन कलर की जगह कोई और कलर भी चूज कर सकते हो जैसे ब्लैक ब्लू जो भी, देखो हो गया ब्लैक इस तरीके से। और फिर है अपना बोल्ड विद टेक्स्ट, तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट भी थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो ये देखो इसकी सेटिंग्स इनेबल हो जाएंगी यहाँ पर और इस तरह का एक बॉक्स भी आ जाएगा। फिलहाल तो ये कुछ खास लग नहीं रहा। उसके बाद में है यहाँ पर आपका आउटलाइन का फीचर, तो ये जो फॉन्ट के आपके चारों तरफ आउटलाइन दिख रही है ना, इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो कलर चेंज करना चाहते हो बेसिकली स्ट्रोक की तरह काम करेगा। और उसके बाद में एक और ऑप्शन है आपको इमोजी वगैरह का, तो जिन जिन वर्ड्स पर आप बात कर रहे होगे अगर उससे रिलेटेड कोई इमोजी अवेलेबल है तो ये उसे ऐड कर देगा, वो थोड़ा सा और कूल लगेगा लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो मत लेना। बॉक्सेस ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ट्रांसफॉर्म वगैरह पोजीशन है ये तो आप बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको फर्स्ट इंटरफेस समझ आ गया। देन है नेक्स्ट स्टेप और यहाँ आप लोगों को अपनी लैंग्वेज चूज करनी है जिसमें कि आपने अपनी वीडियो को रिकॉर्ड किया है, जैसे मैंने हिंदी में किया है तो मैं फिलहाल हिंदी चूज करता हूँ। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि किस किस ड्यूरेशन पर क्या क्या लाइंस बोली गई हैं, वो सब आ चुकी हैं। अब सिंपल क्या है, ऐड कैप्शन यहाँ से करूंगा एंड आपके सामने सिर्फ एक क्लिक में यहाँ पर सारे कैप्शन जनरेट हो जाएंगे। तो देखा आपने यहाँ पर सारे कैप्शन आ चुके हैं। अब कुछ लोगों को एक बात चुभ रही होगी कि यार ये हिंदी में है और हमें तो इंग्लिश में चाहिए, ना इंग्लिश में ना हिंदी में। तो उसके लिए भी आपके पास एक सॉल्यूशन है। आप क्या करो कि सिंपल सा यहाँ से विंडोज में जाओ और फिर जो है एसेंशियल ग्राफिक्स, यहाँ पर आप इनमें से जो भी कैप्शन की फाइल सिलेक्ट करोगे तो उसको यहाँ आप एडिट कर सकते हो इंग्लिश में। या फिर अगर आपको फॉन्ट्स वगैरह भी चेंज करना है और कुछ ट्रांजिशंस एक्स्ट्रा में लगाने हैं तो वो भी इसमें लगा सकते हो। पर खैर ये टूल मुझे बेस्ट लगा अब तक का, तो मैं तो इसका यूज कर रहा हूँ, बाकी आप लोग भी इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। आपको अराउंड 14 दिन का फ्री ट्रायल मिल जाएगा, यूज करके जरूर देखना और पसंद आए तो मेंबरशिप ले सकते हो। बाकी चलो, मुझे आपको बताना था कैसे आप अपनी वीडियोस में कैप्शन ऐड कर सकते हो वो भी एकदम स्मूथ एडिटिंग स्टाइल में, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पे। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाना, साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलेंगे आपसे और किसी अच्छे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।